हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। आज का वीडियो 751 सक्षम प्रैक्टिस सेट एज ऑलवेज। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको जो है चीज़ें थोड़ा सा पढ़नी पड़ेंगी। जो भी प्रैक्टिस सेट में चीज़ें दी जाती हैं भी बेसिक चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बेसिक ही समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें देंगे तो जो लोग नई तैयारी वाले हैं तो भैया वो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है चीज़ें थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है। जैसे आपके पास पहला आज क्वेश्चन था ASCII, इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी थी, तो आपको ये समझना पड़ेगा फुल फॉर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि फुल फॉर्म काफ़ी लंबे समय से नहीं पूछी जा रही है, बट एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसलिए वो सारी चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए। अगर इस पहले क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको पूछा था ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड स्कोर फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको इसका जो है ये फुल फॉर्म है, ठीक। ये इसका क्या है, आपके पास फुल फॉर्म है, लेकिन बस आपको ये चीज़ थोड़ा सा ये समझनी होती है कि एक्चुअल में यही चीज़ क्यों है और इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, देखिए जब भी अपन डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटा ट्रांसफ़र होता है तो किसी ना किसी फॉर्म में होगा वो डेटा ट्रांसफ़र। जैसे हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो बाइनरी फॉर्म में भी डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब ये अमेरिकन ने क्या किया था, एक कोड बनाया था, ठीक। अगर आप मान लो कि अगर आप एप्पल अगर आप लिख रहे हो और वो एप्पल इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करनी है तो उसका जो एंड पॉइंट है तो उस एंड पॉइंट तक समझाने के लिए या जो डेटा ट्रांसफ़र होगा उसका कुछ कोड होता है, तो वो ए से लेकर जेड तक कोई एक पर्टिकुलर कोड दिए जाते हैं, उस कोड के बेसिस पे वो डेटा ट्रांसफ़र होता है। और जो उसका सेकेंडरी साइड होता है मतलब जो रिसीविंग एंड जो उसका होता है वहाँ पर वो डेटा इनकोड हो जाता है। तो ये जो है कुछ इस टाइप से जो है कोडिंग मैथड दिया गया था डेटा ट्रांसफ़र वगैरह के लिए अमेरिकन ने, तो इसलिए इसके फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बस सिंपल है, डेटा को ट्रांसमिशन करना है ए टू जेड, कुछ आपको कोड दिए गए हैं और उन कोडेड के फॉर्म में जो है डेटा ट्रांसफर होगा, इनकोड होगा अदर एंड पे, और आपको समझ में आ जाएगा कि कोई पर्सन कहना चाहता था क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसके अलावा जो भी आपके पास फुल फॉर्म्स होते हैं उनको जरूर पढ़ लें। सेकेंडरी क्वेश्चन इसमें है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग आसान हो जाता है वो क्या कहलाता है। अब हमारे पास कुछ अलग डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, ये वाला ऑप्शन जो है अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, नेटवर्क प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी इन लोगों ने जाना होगा, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूज़र के और जो आपके पास हार्डवेयर है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में भी आप इसे भी ऐसा भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जो हमें कंप्यूटर चलाने में आसानी देता है या जिससे हमारा कंप्यूटर चलाना आसान हो जाता है। अगर आपने आज देखा होगा कि छोटा बच्चा भी कंप्यूटर आसानी से चला पाता है, कैसे चला पाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, ठीक है। आपने उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखा होगा, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कंप्यूटर देखा है तो उसमें आपके पास कंप्यूटर का फोटो आता है, आपने देखा है गूगल क्रोम देखा है तो उसमें एक फ़ोटो उसका आता है, ठीक। आपको क्या नहीं करना पड़ता है, आपको जस्ट एक क्लिक करने से कोई भी जो आपका सॉफ्टवेयर है आप उसे चला सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कोडिंग की जाती थी उसके पीछे से, ठीक है। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तब तक केवल वही लोग कंप्यूटर ऑपरेट कर पाते थे जिन लोगों को कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, या जो लोग बाइनरी में काम करना जानते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ जो कोडिंग करना जानते हैं। लेकिन आज हर कोई कर सकता है, एक बच्चा भी चला सकता है, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत ही है। बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ, हर वीडियो में कुछ नया नया चीज़ें आपको जरूर जानने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना था कि कंप्यूटर का प्रयोग आराम से किया जा सकता है, ये आपके पास होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को किसी कंप्यूटर में किसी टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेंट करना है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उससे आप क्या करते हो पेंट चला पाते हो। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स है, आप क्या करना चाहते हो फाइल्स बनाना चाहते हो, डेटा को सेव करना चाहते हो, है ना, मतलब कोई भी अगर आप इस टाइप से काम करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा, वो क्या एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आपको गाना सुनना है उसके लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आपको एक PDF रीडर की जरूरत होती है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आपको इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत होती है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से आप क्या कर पाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम की हेल्प से आप पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। क्वेश्चन आपको यही पूछा गया था कि कंप्यूटर का प्रयोग आसानी हो जाता है उसे क्या कहा जाता था, एप्लीकेशन प्रोग्राम इसे आप बोला जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो आपको मैं कह सकता हूं कि कंप्यूटर को मैनेज करने में जो आपका हेल्प करते हैं, ठीक। जैसे आपके पास डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कंप्यूटर को आपका मैनेज करने का बेसिकली काम करता है, जो डिस्क होती है इसकी टाइप से आपके पास एंटीवायरसेस होते हैं वो उसको मैनेज करने का काम करते हैं कंप्यूटर को, कि भैया कोई आपके पास वायरस वायरस ना आ जाए। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको यूटिलिटी प्रोग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो अभी समझ में आया होगा सभी को कि भैया एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं।
इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन था इंटरनेट के पिता किसे माना जाता है, तो इंटरनेट के पिता विंडसर को माना जाता है। 1960 के आसपास जो है इंटरनेट का विकास हो गया था, धीरे धीरे जो है 1986 में 86 में आपके पास इंडिया में कंप्यूटर आया। 1995 में, आप देखो पहले बार जब इंडिया में आया था तो उस समय केवल जो कंप्यूटर था वो कोई साइंटिस्ट या जो बहुत मतलब एजुकेशन जिनकी अच्छी है वही लोग ही चला पाते थे, या ऐसे नहीं बोलूंगा चला पाते थे, या साइंटिफिक पर्पज़ के लिए उसे यूज़ किया जाता था। फिर 1995 में जाके वही जो इंटरनेट है कंप्यूटर वो सबके लिए जो है सबके लिए कर दिया गया, मतलब आम जनता तक पहुंचा दिया गया, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो विंडसर्फ के बारे में आपने जाना। टिम बर्नर्स-ली, ये WWW, ये आप सभी लोग देखा होगा, ये वर्ल्ड वाइड वेब भी होता है और बाद में इसका वेब ब्राउजर भी बना दिया गया था। तो ये टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था 1990 या 1991 में, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद चार्ल्स बेबेज के बारे में सभी लोग जानते होंगे, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इन्होंने भैया एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। पहले एक डिफरेंशियल इंजन था, डिफरेंशियल इंजन के बाद एक एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन ही एक वो आधार था, वो बेस था आपके जो आज मॉडर्न कंप्यूटर आप देखते हैं, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, चले खैर आज के लिए इतना बहुत है। डगलस एंजलबर्ट, ये इनको क्या बोला जाता है भैया आपके पास, माउस के आविष्कारक, ठीक है, माउस के आविष्कारक डगलस एंजलबर्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इसी टाइप से प्रोग्राम किसने डाला था पहला, वो लवलिशा हो जाता है, लेडी अगस्त का भी जिसे नाम देते हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। टेक्स्ट पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है, देखिए कभी भी अगर आपको टेक्स्ट पंक्ति में आरंभ में जाना है तो उसके लिए हम होम यूज़ करते हैं, बस आपको पहली बात ये ध्यान रखना है। उसके बाद पेज अप करने के लिए, सीधी सी बात, अगर पेज को अप करना है तो आप पेज अप करेंगे, एंटर करने से आप क्या जाते हैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं या नीचे आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप चलाते हैं यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्केप, अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करना है, अगर क्या करना है किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करना है या किसी प्रोग्राम को इंटरप्ट करना है, अगर किसी प्रोग्राम को कैंसिल करना है इंटरप्ट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस्केप को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है यार एस्केप जो की होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है, बस बाकी और कुछ नहीं। बाकी पेज एंटर तो आपको पता होगा, बैक स्पेस आपको पीछे मैं कैसे तो डिलीट वगैरह करना है तो उसके लिए हो जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभार क्या होता है एंटर एग्जीक्यूट करने के लिए किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, तो फिर एंटर को यूज़ करते हैं। एग्जीक्यूट करने का मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, आपने डायरेक्टली एंटर दबाया चीज़ें स्टार्ट हो गई, तो एग्जीक्यूशन के लिए भी आप एंटर को यूज़ करते हैं, ठीक। तो जिस हिसाब से जिस बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन होगा उस बेसिस पे आप इसका आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास 247 का बाइनरी मान निकालना है, कैसे निकालेंगे 247 का बाइनरी मान। इसको निकालने का तरीका एक ये है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1, यहाँ पे लिख लीजिए 2 और इसका डबल करते रहिए। 2 का डबल आपके पास 4 होता है, 4 का डबल आपके पास 8 होगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर आपके पास 32 हो जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे 64 होगा और 64 का डबल आपके पास 2 4 8 एंड 128, कुछ इस टाइप से होगा। अब दूसरा टास्क आपका क्या होता है, जो भी बाइनरी नंबर आपको मिलता है आप उसे क्या करेंगे, उस नंबर को बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 247 बनाना है, 247 कैसे बनेगा, देखो आप क्या करोगे, देखिए 128 हो गया, 64 हो गया, 32 हो गया, 16, इनको ऐड कर लो, 4 + 2 = 6 + 1 = 7, अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 247, ठीक है। तो यानी जिन जिन नंबर्स को मैंने 247 बनाने के लिए लिया है आप वहाँ पे 1 लिखोगे, जैसे यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे मैंने 8 को नहीं लिया था तो इसको 0 लिखोगे, यहाँ पे 1 1 1 एंड 1, यानी आपको जो बाइनरी नंबर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। तो क्या कहीं ऐसा है ये वाला सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपके पास यही आंसर मिलेगा। आप चाहो तो इनको ऐड भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 + 2 8 + 4 12 + 8 20, ठीक। और आपके पास यहाँ पे 3 + 1 4 10 12 और आपके पास 240 और 4 + 2 6 एंड 1 7, तो 240 + 7 आपको कितना मिला यहाँ पे 247। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी ये नंबर, ठीक। अगर मान लो अगर आपके पास मैं कहता कि अगर आपके पास 20 होता और आपको बनाना था 20 का बाइनरी नंबर में, तो फिर कैसे लिखते, सेम यही लिखते, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। आपने देखा यार 16 और 4, इन दोनों को ऐड करके मैं डायरेक्टली 20 बना सकता हूँ, तो इसके नीचे आप लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, बाकी लिखेंगे 0, तो आपके पास इस टाइप से ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। चलिए कुछ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं यार, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। तो अब आप देखेंगे कि यार आपको यहाँ पे पहले ऐसा लिख लीजिए, कभी भी कोडिंग डिकोडिंग आती है तो आप इसको ऐसे आराम से लिख लिया करें, जैसे आपने पर लिखा CRI, आपके पास यहाँ पे आएगा M,
आई एन ए और एल, ठीक। और इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा आर हो गया, सी हो गया, जे हो गया, एन जे एल ए एन एन। अब ये जो अल्फ़ाबेट है इनसे ये अल्फ़ाबेट बनाया हुआ होगा, सिंपल सा दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए आर को यहाँ पे, सी को यहाँ पे, एल को यहाँ पे ऐसे ले लिया, एन को यहाँ पे ऐसे ले लिया और ए को ऐसे लिखा गया। और यहाँ पे हमने जस्ट एक को बढ़ाया, आई प्लस वन, यानी आई में आगे एम ए प्लस वन और आई में प्लस वन, कुछ ऐसे बनाया गया है। तो आप इसको ऐसा बना लीजिए ना, जैसे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, इधर आ जाएगा ई, इधर आ जाएगा आपके पास टी, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कुछ ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा एस, यहाँ पे आ जाएगा ई, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास टी, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा। तो क्या एसी टी कहीं है, देखिए मैंने पूरा भी नहीं किया, एसी टी यहाँ पे आ गया तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाता है। बाकी आप आर में थोड़ा आगे आ जाइए, एम में एन हो जाएगा और आई का आपके पास जे हो जाएगा, यानी आपके पास यही वाला बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। अब इस 92 में अगर ध्यान देंगे आप तो देखिए यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, और जब भी नंबर बढ़ते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि यार मल्टीप्लिकेशन वाली कुछ इस टाइप से कुछ चीज़ें, ट्रिक तो नहीं बोलूँगा मैं, बट आपको कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने ध्यान दिया, 4 मल्टीप्लाई अगर आप 3 करते हो तो आपको मिलता है 12, 16 मल्टीप्लाई अगर आप 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 80, और 86 मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करेंगे 7 तो आपको मिलेगा 602। लेकिन अपने को तो ये चाहिए, तो इसका मतलब ये तो ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि मुझे एक नंबर छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे आना चाहिए। हम दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, आपने क्या देखा यार, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कर दूँ 12 प्लस 4 तो आपको मिलेगा 16, आपने देखा 80 प्लस 6 आपको मिला 86, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 602 प्लस करेंगे आप, देखिए 4 था 6 था, अब आपको क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सीरीज तभी बनेगी, 2 का गैप है ऊपर, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 610, 610 मिल जाएगा यहाँ पे, क्लियर है बात। तो यहाँ पे 610 जो है इसका आपके पास आंसर हो जाता है, तो 4, 6 और 8, दो दो का गैप आ रहा है, तो दो दो के गैप में आप जो है इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, लड़कों की एक पंक्ति है, विजय बाएं छोर से 10वां स्थान है। आप एक पंक्ति बना लीजिए कुछ ऐसा, आपने एक पंक्ति बनाई, सिंपल, आपने बाएं छोर ले लिया और इस बाएं छोर में विजय को बिठा दिया, विजय का स्थान 10वां है, ठीक। तो विजय का स्थान कौन सा हो गया, 10वां हो गया। फिर आपने दाएं गए और दाएं से आपके पास क्या दे रखा है, दाएं छोर से 7वें स्थान पर है कौन, विक्रम, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ये हो गया विक्रम, ठीक। और ये कौन सा हो गया आपके पास, 7वां। अगर विजय और विक्रम के बीच में 11 लोग बैठे हुए तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए, यहाँ पे 11 लोग बैठे हुए हैं। अब आपको बताना है कि कुल कितने लड़के इसमें हैं, तो बहुत सिंपल है, तो क्या करेंगे भैया, सबको ऐड कर देंगे ना, देखो 10 यहाँ से थे प्लस 11 बीच में है, और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 18 प्लस 10 28, जो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। प्रॉब्लम कहाँ होता है ऐसे क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम तब होता है ओवरलैप की कंडीशन में, जब ये अगर आदमी यहाँ से उठ के अगर कहीं यहाँ आ जाए और ये आदमी उठ के कहीं इधर चले जाए और तब बीच में पूछा जाए, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्लियर है बात। पर चलो खैर अभी के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 94 शायद, जो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में बहुतों को प्रॉब्लम हुई होगी, यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 दिन पहले का मतलब दूसरा दिन। अब इसने क्या बोला, इसने बोला है कि यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, तो मैंने क्या किया, 8वें दिन की बात करी इसने, ये 8वां दिन हो गया, ठीक। किस यदि महीने का 8वां दिन, ये 8वां दिन है, यहाँ पे 9वां दिन होगा, सीधी सी बात है, ये 10वां दिन होगा। इसने क्या बोला, शुक्रवार से 2 दिन पहले आता है, ये 8वां दिन। अब शुक्रवार से 2 दिन पहले का मतलब भाई यहाँ पे जो 10 तारीख रही होगी, ये रही होगी शुक्रवार, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि भैया 2 दिन पहले का मतलब आप यहाँ पे आ रखे होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता इन क्वेश्चन में। 2 दिन पहले का मतलब दूसरे दिन के बारे में बात हो रही है, तो मतलब उसने ये कहा है शुक्रवार से 2 दिन पहले, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले का मतलब यहाँ पे आपके पास कौन सा दिन रहा होगा, ये आपके पास बुधवार रहा होगा ऐसे, तो मतलब वो एक्चुअल में 8 तारीख को बुधवार था, 2 दिन पहले का मतलब दूसरे दिन पे जाके रुकना है। अगर 3 दिन पहले बोलता तो मतलब तीसरे दिन जाके रुकना है 3 दिन। अब ये इसका मतलब ये कतई ही नहीं है कि 7वें पे जाके अटक जाओ, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे होता है, ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए खैर, तो इस टाइप से चलेगा। अब हमें बताना था कि 21वां दिन क्या होगा, तो भाई यहाँ से 21 दिन निकाल लो ना। चलो मान लो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अब देखो अब तो बहुत आसान है, अब तो शायद इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 17 हो गया, 18 हो गया,
19, 20 एंड 21, ये कुछ आ गया। अब देखो यहाँ पे शुक्रवार था, शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, तो मतलब 21st को यहाँ पे क्या आ रहा आपके पास, एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे आएगा मंगलवार, ठीक है। अब जो लोग सोचेंगे कि भाई ये गलत है, आप कभी सेंटर के एग्ज़ाम देना तो वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं किताबों में भी गलत होते हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न पकड़ लो, उस पैटर्न पे बेसिस पे क्वेश्चन कर लो, नहीं तो कैलेंडर का पूरा एक चैप्टर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सक्षम अकादमी प्लेलिस्ट में, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको यहाँ पे ये वाला फाइंड आउट करना था कि यहाँ पे क्या आएगा। आपने क्या देखना है, पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा था, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा भैया, 40 आएगा, सीधी सी बात है, 8 पंजे 40 होता है, और इस 40 से आप इसको माइनस कर लीजिए 28 को इस टाइप से, और आपको क्या मिलेगा, ये 12 मिलेगा। यहाँ पे सेम एज यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 36, और इस 36 से मुझे यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा सो दैट कि मुझे 25 मिले, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 11 माइनस, ठीक, 5 ही आएगा, तो आपके पास 11 यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। देखिए 10 मल्टीप्लाई 3 आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा, और 30 से 16 को माइनस अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न आपको यहाँ पे चलाना था। अब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब आपका कैसे आते हैं, ये उसके साथ आ जाता है, आपके प्रैक्टिस के साथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई देखिए बी ई एच है, डी जी आई है, एफ आई एल है। बहुत ज़्यादा भारी भरकम सोचोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, सीरीज है तो आपको ऐसे कुछ लगाना पड़ेगा यार, बी से डी का कनेक्शन, ई से जी का कनेक्शन। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए बी से हम जा रहे हैं डी पे, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ा यहाँ पे, दो, ठीक है, दो हमें लैटर लेना पड़े, उसके बाद हम डी से डायरेक्टली चले गए इसमें एफ पे, तो मतलब दो ऐड करना पड़ा, एफ से हम जाएंगे एच पे तो दो ऐड करना पड़ा, ठीक। इसका मतलब मैं एच से जब आगे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जे, तो पहला जो लेटर है वो तो जे मिला, क्या जे है, देखो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है देखो ई से लेकर जब आप यहाँ जा रहे हो तो यहाँ पे मुझे मिला जी, फिर जी देखो प्लस दो है ना, फिर जी से लेकर आप यहाँ पे जाओगे आई पे तो आपको फिर से प्लस टू करना पड़ रहा है जी एच आई, और आई से अगेन यहाँ पे जाओगे प्लस टू करना पड़ेगा, इसका मतलब के से अगर आप आगे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा एम। तो आपके पास जो आंसर बनेगा यहां पे देखिए, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, जे आ गया यहां पे और आपके पास आ गया एम, तो मतलब जे एम वाला ये वाला आंसर हो जाता है आपके पास। पी क्यों काट दिया मैंने, जे एम पी, ये तो जे हो सकता था ना, के नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, तो डी आपके पास आ जाएगा, हर एक में दो आप उसमें अल्फाबेट आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए 97 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति ने 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ा। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें एक काम करना है, देखो स्टार्टिंग की डायरेक्शन कौन है उसकी, दक्षिण पूर्व है, ठीक। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके पास है कुछ इस टाइप से, आप सभी लोग जानते हैं ये वाली दिशा होगी दक्षिण पूर्व मेरी, कौन सी, ये वाली दिशा, ठीक। तो वो क्या घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, कितना घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है, घड़ी की दिशा का मतलब इस दिशा में। देखो अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ से लेकर यहाँ घूमेगा तो पहले यहाँ पहुँचा हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री हो गया घड़ी की दिशा में, उसके बाद उसने क्या कहा, फिर से वो घड़ी की दिशा में घूमा, कितना, 180 घूमा। अब देखो इसका 180 डायरेक्टली क्या यहाँ नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, इसका जस्ट अपोजिट 180 ही तो होता है, और अगर ऐसे भी नहीं आता तो यार देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 आपके पास ये है, 90 आपके पास ये है, तो वो कहाँ पहुँच गया, इस दिशा में पहुँच गया, और ये कौन सी दिशा आपके पास, पश्चिम दिशा है, तो आपके पास जो है, सॉरी पश्चिम नहीं, आपके पास ये उत्तर दिशा हो गई, क्लियर है बात। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसमें क्या बनेगा, सी जो है इसका आंसर हो जाता है, उम्मीद करते हैं बात सही होगी। बाकी आप 180 प्लस 45 करेंगे तब भी आपके पास कितना आएगा आंसर, जो आएगा आप यहाँ से उतना उसे घुमा सकते हैं, ठीक है, तो 125 आएगा ना। चलिए खैर अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, यह उस माँ के इकलौते पुत्र हैं जो मेरी माँ की माँ है। अब देखो जो चीज़ आपको पता होती है ना पहले आप उससे स्टार्ट किया करें ताकि आपके क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए। जो मेरी माँ की माँ है कौन, महिला बोल रही है, तो मैं इसको कुछ ऐसे बना दूँ यार, एक आपके पास ये महिला है, ऐसे ये महिला हो गई, ये महिला की आपके पास माँ है और ये माँ की भी माँ हो गई, कुछ इसने ऐसी बोला था,
ये महिला है, ये महिला की माँ है, उसकी माँ है। अब इसने बोला क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन इसने बोला है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, अब परिचय किसका हो रहा है, पुरुष का हो रहा है। इस पुरुष के बारे में क्या बोल रहा है, इस पुरुष के बारे में बोला है कि जो ये पुरुष है बोला, ये उसकी माँ के इकलौते पुत्र हैं, यानी उस महिला के माँ के इकलौते पुत्र। मतलब एक्चुअली यहाँ पे इसके ये इकलौते पुत्र हैं ये पुरुष, कुछ ऐसे। तो अब क्या बताना है आपको कि भाई आपका महिला का पुरुष से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये हुई, यहाँ पे ये जो है ना, ये माँ जो भी है, ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। इसका मतलब ये जो महिला है इसके ये पुरुष मामा होंगे। ये तो बोला ना, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, यानी महिला का पुरुष से संबंध बताना है। तो महिला पुरुष की क्या लगेगी ये बोल रहा है, तो महिला पुरुष की भांजी लगेगी, ठीक है ना। मतलब मुझे लगता नहीं है यार कि चीज़ें टफ हैं, आसान है। महिला का पुरुष से संबंध बताना था, तो जो उसकी माँ है और ये जो पुरुष हैं वो आपस में भाई बहन है, तो उसकी वो क्या लगेगी, भांजी लगेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या था इसको देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा करने की कोशिश करें, कैसे, आपने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा 8, ठीक। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा आपने 8, फिर इन दोनों के बीच में आपने डिफरेंस देखा कितना आएगा 16, और इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस आपने देखा कितना आया 16। अब इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 24। इसका मतलब देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, पहला 8, फिर 8, फिर 16। इसका मतलब आगे भी आपके पास कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आप 8 प्लस 1 9 कर रहे हैं, तो ऐसे आप 73 प्लस 24 करेंगे, तो 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 7 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 19, तो मतलब 97 आ जाएगा। तो ये डी जो है इसके पास आपके पास आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भैया देखिए कुछ दालें अपने पास हैं, कुल कितने व्यापारी दाल और चने का व्यापार करते हैं, जो दाल और चने का व्यापार करते हैं, ठीक है। तो दाल और चने का व्यापार करने वाले व्यापारी कितने हैं, तो देखिए दाल वाले पहले कितने, पहले ये समझ लो, देखो 71, देखो ये दाल का करते हैं, और आपके पास कितने व्यापारी दाल और चने का व्यापार करते हैं, दाल और चने का, और 65 आपके पास ये हैं, ठीक, और दो आपके पास ये हो गए, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, इनको आप 73 प्लस आपके पास हो जाएगा 65, यानी आपको कितना मिलेगा 138। तो 138 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें ये पूछा गया है कि दाल और चने का व्यापार कितने लोग करते हैं, तो भैया दाल और चने का व्यापार तो यही लोग कर रहे हैं ना, बाकी तो यहाँ पे अगर 7 लोगे तो भाई ये दाल का भी कर रहा है, चने का भी कर रहा है, और चावल का भी कर रहा है। ये वाला लोगे तो ये दाल का भी कर रहा है, चावल का भी कर रहा है। हमें तो केवल दाल और चने का बताना था, इसलिए मुझे केवल ये लेना पड़ेगा, आपका ये वाला लेना पड़ेगा, दो भी ले लूँगा, क्योंकि वो दाल और चने तो दो कर रहे हैं ना, जो दोनों का कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी और क्यों नहीं लेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ।